अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सर। एक न्यू चैप्टर के साथ, एक न्यू लेक्चर के साथ आज फिर हम हाजिर हैं। चैप्टर हमारे पास है नंबर 1 न्यूट्रिशन, और टॉपिक आज जो हमने पढ़ना है हमारे इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और आपके लिए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बिकॉज यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आप जो खुराक खाते हैं वो जाती है, ठीक है। तो इसलिए टॉपिक है हमारे पास डाइजेशन इन ह्यूमन। जब हम डाइजेशन इन ह्यूमन की बात करें तो वो 5 टर्म्स पर कंसिस्ट करती है, 5 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन प्लस शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज बन रहे हैं, तो उस हवाले से हम बात करते हैं। तो बात करते हैं हम अपने टॉपिक डाइजेशन इन ह्यूमन। डाइजेशन इन ह्यूमन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ रही है, जिनकी मैंने आपसे बात की अभी, जिनका जिक्र किया, तो उनमें ये टर्म्स है। सबसे पहले हमारे पास आ रही है इंजेशन। इंजेशन एज द नेम, इसका मीनिंग होता है इंजेस्ट से निकलना, अंदर की तरफ लेके जाना। तो टेकिंग इन फूड, जैसे हम खुराक को अंदर लेके जाते हैं, इसका इंजेशन। फिर बात आती है डाइजेशन, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड। तो जो हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ईट करते हैं, हम उन्हें ब्रेक कर देते हैं इंटू सिंपल सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, इट इज कॉल्ड डाइजेशन। जब वो सिंपल सब्सटेंसेस आपने डाइजेस्ट कर लिया, आपकी बॉडी में हजम हो गए, तो फिर इन्हें ऑब्जर्व किया जाएगा। तो ऑब्जर्व से आ रहा है अब्सॉर्प्शन। तो डाइजेस्टिव फूड कैन बी ऑब्जर्व इनटू ब्लड और लिम्फ। हमारे अंदर टू बॉडी फ्लूइड है, और इंपॉर्टेंट बॉडी फ्लूइड ब्लड उसके अंदर, और इसके अलावा लिम्फेटिक जो एक लिम्फेटिक वेसल के अंदर मौजूद होगा वहां पर ऑब्जर्व किया जाएगा। फिर बात आती है एसिमिलेशन, एज द नेम, ये बेसिकली जो है वो जोड़ने के हवाले से है। तो जो हमने खुराक खाई, हजम हो गई, स्मॉलेस्ट सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट हो गई, ब्लड के अंदर अब्सॉर्ब हो गई, फिर हमारी बॉडी पार्ट्स को पहुंचाई जाएगी, वहां पर बॉडी पार्ट्स का वो कंपोनेंट बनेंगे। तो सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस को जो है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस के अंदर दोबारा कन्वर्ट किया जाएगा। तो बात आती है फिर नेक्स्ट डेफिकेशन। डेफिकेशन मीन एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ऐसी खुराक जो हमने खाई और हमारे लिए वो उसके अंदर से बेनिफिशियल प्रोडक्ट अलग कर लिए गए और कुछ वेस्ट बच गया, तो उस वेस्ट को बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा। अब इसकी मिसाल, इस पूरी टर्म की मिसाल मैं कुछ यूं देता हूं। मिसाल के तौर पर जैसे हमें भूख लगी और हमने जो है वो एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन ईट किया कुछ भी, ठीक है। अब प्रोटीन जो है आप ले सकते हैं, आप व्हाइट मीट से प्रोटीन ले सकते हैं। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं चिकन की, क्योंकि चिकन के बगैर तो गुजारा नहीं है ना आजकल के बच्चों का। तो हमने जो है वो एज अ सोर्स ऑफ चिकन जो है वो लिया, एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन हमने ये प्रोटीन ईट की। अब ये प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर उस हालत में नहीं रह सकती जिससे हमने ईट की, हमें दूसरी कंडीशन में चाहिए। तो हम इसे ईट करेंगे तो हो गया हमारे पास वो टर्म होगी इंजेक्शन, यानी कि हमने इस प्रोटीन को ईट कर लिया, तो ये क्या कहलाया इंजेक्शन। इंजेक्शन के बाद हमने उसे अपने डाइजेस्टिव ट्रैक से जब गुजारा, तो वहां पर ये प्रोटीन टूटी स्मॉलेस्ट सब्सटेंसेस जिसका नाम है अमाइनो एसिड, तो ये अमाइनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो रही है, तो इसका अमाइनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट होना कहलाया डाइजेशन। तो यहां पर डाइजेशन हो चुकी, डाइजेशन के बाद इसने ऑब्जर्व होना है हमारे ब्लड के अंदर, तो ये जो है वो हमारे ब्लड के अंदर यहां पर शामिल हो जाएगी, और ये प्रोटीन चलेगी, यानी कि अमाइनो एसिड्स चलेंगे हमारे ब्लड में। तो यहां पर इस फिनोमिना को हम कहेंगे ऑब्जर्प्शन, ठीक है। ऑब्जर्प्शन के बाद क्या हुआ, ऑब्जर्प्शन के बाद ये ब्लड से गुजरती हुई चली गई, अब हमारे ब्लड से गुजरती हुई हमारी बॉडी में जाएगी, मैं कह देता हूं मेरे मसल्स में चली गई, तो इसने मेरे मसल्स टिश्यूज की प्रोटीन बनानी है। तो ये अमाइनो एसिड दोबारा कन्वर्ट होंगे मसल्स टिश्यूज की प्रोटीन के अंदर, तो ये मेरा बेटा टर्म आ गई एसिमिलेशन, ठीक है। इस तरह ये सारा फंक्शन होता है, और बाकी जो नॉन डाइजेस्टिव पार्ट होगा वह एलिमेंट्री किनाल, यानी कि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक से ही बॉडी में जो है बॉडी के अंदर से खारिज कर दिया जाएगा। चूंकि अभी जिक्र हो गया एलिमेंट्री कैनाल का, तो फौरन से हम डिस्कस कर लेते हैं हमारी एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल इज अ डाइजेस्टिव सिस्टम ट्रैक, ठीक है। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक पूरे ट्रैक पर कंसिस्ट करता है, ये ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब्यूलर ट्रैक है, इसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ये स्टार्ट होता है फ्रॉम आवर माउथ टू एनस, माउथ वो पार्ट जहां से हमने फूड इनटेक की, और एनस वो पार्ट जहां से बॉडी जो है वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करेंगे। अब इसके सेक्शंस हैं, वेरियस सेक्शंस हम जो है वो वन बाय वन करेंगे, और कुछ ग्लैंडुलर सेक्रीशंस हैं उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। तो ये तो हमारे पास हो गया आज शॉर्ट सा हमारा टॉपिक, तो कल इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।